लो भाई लोगों, अपनी आरस सामने है और एक सॉकर हमने पैक करवा दी है और दूसरा सॉकर भी पैक हो रहा है। देन उसके बाद पीछे रियर का मोनो सॉकर सामने रखा हुआ है, अभी वो भी चढ़ेगी। देन उसके बाद फिर वायरिंग चेंज होगी, बट अभी इसका हेड खुल के निकला हुआ है, दोनों सॉकर निकाले हैं। फ्रंट टायर यहीं पर रखा हुआ है, अभी देख सकते हो फ्रंट टायर, और इसकी स्प्रिंग वगैरह पूरी निकाल चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल टाउन ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज मैं एक छोटी सी राइड करने वाला हूँ। राइड भी क्या होने वाली फ्रेंड्स, क्योंकि माइक कियो है, इसमें जो सॉकर है वो रियर सॉकर जो इसका का है पूरा डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और जो फ्रंट सॉकर है वो भी पूरे ख़त्म हो चुका है। तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, फ्रंट सॉकर को भरवाने वाला हूँ, देन रियर सॉकर जो है उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे एक लॉन्ग सी राइड पर जाना है कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से हो रही है और आप सभी के लिए एडवांस में हैप्पी दीपावली। और अभी चलते हैं और अभी आगे पे अपनी मुटकी मिलने वाली है, उसे भी पिकअप करना है क्योंकि आज उसकी ऑफिस की छुट्टी है, देन उसको भी लेके चलेंगे और उसकी भी थोड़ी शॉपिंग है। तो मैं नियर बाय मार्केट में जो अपना पड़ता है मैं वहाँ से शॉपिंग कराऊँगा, और एक अपने अच्छे भैया है, बेस्ट शॉप है उनकी, मैं गाड़ी का काम वहीं से करवाता हूँ और मैं वहीं से करवाऊँगा। आज काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था मैं अपने सॉकर वगैरह चेंज करने का, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, देन अभी टाइम मिला है क्योंकि आज मुटकी की छुट्टी है। मेरी तो छुट्टी है नहीं, बट मैंने छुट्टी ले ली। देन अब चलते हैं और रास्ते में मुटकी मिलेगी, मुटकी को पिकअप करके देन अपना आगे चलेंगे, क्योंकि मैं आज मॉर्निंग में जा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रही है मॉर्निंग के, और मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ यार क्योंकि फिर आज संडे भी है और उसके बाद दुकानों में भीड़ हो जाती है, और मैं चाहता नहीं यार कि मुझे आज टाइम लगे, क्योंकि मुझे टाइम से आना है और अपना कुछ पर्सनल काम है वो मुझे निपटाना है। तो फटाफट चलते हैं और मुटकी को पिकअप करते हैं। बट आगे आप देख सकते हो भाई, जो मॉर्निंग का टाइम है, ठंड बढ़ चुकी है दिल्ली के अंदर, और आप देखो फॉग वगैरह भाई कितना ज़्यादा इस मॉर्निंग का टाइम लग रहा है। और मैं भी हाफ में आया हूँ, मुझे लगा था कि नॉर्मल सी मतलब हल्की सी ठंड होगी, बट अभी यार एक्चुअली मतलब ठंड फील होने लग गया है, और फॉग आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा फॉग लग रहा है इधर। देन लेट्स गो, मुटकी को पिकअप करते हैं, देखते हैं भाई मुटकी कहाँ पे मिलती है, अभी फ़ोन किया हुआ है, देन दोबारा फ़ोन करते हैं। सो फ्रेंड्स, मुटकी ने यहीं का एड्रेस डाला था, बट कहाँ पे गई कहाँ पे गई, अभी मुटकी को लेके चलते हैं यार, बोला हुआ है कहाँ पर है कहाँ पर है। अच्छा, ये रही मुटकी। ओ भाई साहब, क्या बिल्डिंग है भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे यार थोड़ा टाइम लग गया, मैं पीछे से घुमा रहा गाड़ी को। चलो बैठो बैठो, हेलमेट क्यों लेके आए? अच्छा, एक हेलमेट पे चला ना, यहाँ पे दो पहनने ही पड़ेंगे। ओके, मतलब आज आपकी छुट्टी है। चलो यार, मेरी गाड़ी का थोड़ा काम है, गाड़ी का काम करवाना है। अब देखो टाइम कितना लग सकता है, 2-3 घंटे तो लगेंगे। चलो कोई नहीं, आपकी शॉपिंग और गाड़ी काम दोनों हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मुटकी बैठ चुकी है, और भाई यार जो वहाँ पे घर थे ना भाई, बहुत प्यारे थे यार, दो एक नंबर लोकेशन है। और अभी यार चलते हैं, क्योंकि अभी आपके हैं, हाँ तुम्हारे घर है वो। ये देख रहे हो, मेरे घर है। अभी चलते हैं यार फटाफट से, और जो चलते हैं पहले वो मार्केट जहाँ पे गाड़ी काम होता है, और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मार्केट बाइकों का है, ए टू जेड जो मार्केट है वो टोटल बाइकों का है, वहाँ पे स्पेयर पार्ट वगैरह सब चीज़ें मिलता है। मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी का काम करवाना होगा तो आप करवा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो सामने भाई अपार्टमेंट, भाई साहब हम पहुँच चुके हैं, जो बाइक का पूरा मार्केट है यहाँ पर है, और मैं बाइक के मार्केट के अंदर जा रहा हूँ। और अभी मेरे जो भैया हैं जिनसे मैं हमेशा काम करवाता हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ सीधे, क्योंकि मैं हर बार यहाँ आता हूँ। ये दिल्ली का जो नियर बाई करोल बाग है, वहाँ पे भी आपको पता है गाड़ी का ज़्यादा अच्छा काम होता है। और गुड़गांव की बात करी जाए तो गुड़गांव के अंदर जो नियर बाई में सबसे अच्छा काम यहाँ पर होता है। और ये रही भैया की शॉप, तो मैं पहले मॉर्निंग में गाड़ी लगा देता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी का काम पहले होना चाहिए। सोलो भैया सामने हैं, और अभी ये रही गाड़ी, उतरी गाड़ी नीचे। भैया ठीक है, लो आरएस आ गई आज, सॉकर चेंज पीछे का, रियर सॉकर चेंज करना है, फ्रंट सॉकर भरना है, और एक चीज़ और है, ये वायरिंग मुझे पीछे करनी, इसके नीचे वायरिंग है काफ़ी, वो मुझे यहाँ पे ये वायरिंग है ना, मैंने फ्लैशर लगा रखा था, ये देखो
ये फ्लेजर आगे कन्वर्ट कर रखा है मुझे, ये फ्लेजर ना जो ये है ये मुझे पीछे करना है सीट के नीचे। हाँ ये फ्लेजर मुझे पीछे करना है सीट के नीचे, और इसके जो इंडिकेटर हैं वो वाले डालने हैं, पल्सर के जो जेन्युइन इंडिकेटर आते हैं, के टी एम वाले नहीं आते, चूँच वाले, चूँच वाले हो, मैं दिखाता हूँ आपको, बढ़िया करना है, हो जाएगी। शॉकर कितने का पड़ेगा इसका, रियर शॉकर ये देख रहा था, सिंगल ऑटोमोबाइल्स, और ये इनका मोबाइल नंबर है 9354332460, सिंगल ऑटोमोबाइल्स करके शॉप है, आप देख सकते हो। अगर आप इधर से भी स्ट्रेट आते हो तो सामने शॉप पड़ेगी, और इधर से भी आओगे तो शॉप आपको दोनों साइड से दिख जाएगी, और यहाँ पे इनका गाड़ी का काम यहाँ पर भी होता है और यहाँ पे होता है, और वॉशिंग वगैरह का सामने है। शॉकर वगैरह आपको अगर कुछ टाइम के लिए चाहिए 500 रुपये में भर जाएंगे। ये जो पीछे का रियर शॉकर है ये भी आपको तकरीबन 500 रुपये में यहाँ पर भरते हैं, बट मुझे 500 का नहीं भरना, मुझे इस शॉकर को मतलब चेंज करवाना है। तो फ्रेंड्स अभी हम मार्केट आ चुके हैं, अपनी गाड़ी वगैरह हमने दे दी है वर्कशॉप पे, और अभी हमें यहाँ पे जस्ट नियरेस्ट एक गुरुद्वारा है, देख सकते हैं भाई एक गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, तो हम चल रहे हैं गुरुद्वारा, क्योंकि भाई मुट्ठी को भी गुरुद्वारा जाना है, क्योंकि गुरुद्वारा ज़्यादा जाती है, तो अभी चलते हैं गुरुद्वारा, और सामने बाबा जी भी देख रहे हैं हमें, क्योंकि आज मैंने जीन्स वगैरह पहने, क्योंकि मैं हर टाइम पे हाफ नेकर पहन के आता हूँ तो फिर अलाउड नहीं होता है, बट अभी जीन्स वगैरह तो आप अंदर आराम से मैं अंदर जा सकता हूँ, तो चलते हैं पहले मुटकी को लेके अंदर और थोड़ा प्रसाद वगैरह लेके, देन उसके बाद फिर मार्केट घूमते, क्योंकि अभी मार्केट पूरा बंद है, तो अभी हम जा नहीं सकते वहाँ पर, मार्केट बंद है, कुछ मिलेगा नहीं, बट उसके बाद मैं जाऊँगा, सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा। तो फ्रेंड्स ये रहा गुरुद्वारा, आपको दिख रहा होगा सामने, पहले मैं शूज़ वगैरह उतारता हूँ, देन सारी एसीज बंद करता हूँ, देन उसके बाद मैं अंदर चलता हूँ, लेट्स गो फ्रेंड्स। लोगों लड़कियों को लाना मार्केट में, बहुत ज़्यादा सर दर्दी है, हर दुकान पे जाती है, कुछ ना कुछ देखती है, लेती कुछ नहीं है, बट हर दुकान पे जाके कुछ ना कुछ देखना ज़रूरी है। देख लो अभी फिर यहाँ पे आ गई है, लेकिन सेल चल रही है 100 रुपये की, लड़कियों का ये सही है, जहाँ पे सेल लगा होगा हर वही दुकान देखी जाएगी। ये देख लो ये भी सही है, एक ले लो, कोई से भी ले लो, पसंद आने दो, देख लो एक सही लगे तो देख ले लो। सबसे बढ़िया भाई हमारा है, हमको भाई एक चीज़ पसंद आती है और एक ही दुकान पे जाता है, इनका सही है, जहाँ पे सेल दिखा हर एक दुकान पे जाएंगे, हर एक दुकान से कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। अब देखते हैं पसंद नहीं आएगा यहाँ पे, श्योर है, कन्फर्म है, ये बोले कि दूसरी दुकान पे चलना है, देखते रहो। नहीं है सही, आगे चलना है। देख लो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था हर दुकान पे लड़कियों का यही होता है, सेल देखेंगी जाएंगी, देन फिर उसके बाद बोलेंगी नहीं नेक्स्ट दुकान में, फिर जाके पूरा मार्केट ढूंढने के बाद फिर लास्ट में एक चीज़ पसंद आएगी वो लेके जाएंगी। देखते हैं भाई, पूरा दिन है हमारे पास आज, क्या शॉपिंग होती है क्या नहीं होती है। अच्छा ये वाला अच्छा है, और भी जाना है, ये देख लो ये भी अच्छा है, उधर देख लो उधर पसंद नहीं आया, और भी जाना कौन सा, कौन सा 50 रुपये
इससे बड़ा ये ना ले लो। चूड़ा कितने की? चूड़ा नहीं है इसमें, चूड़ा लेना इससे बड़े वो बोला। ये ये कितने है? देख लो कोई अच्छा सा, देख लो अभिया। लो भाई लोग, अपनी आरएस सामने है और एक सॉकर हमने पैक करवा दी है और दूसरा सॉकर भी पैक हो रहा है। देन उसके बाद पीछे रियर का मोनो सॉकर सामने रखा हुआ है, अभी वो भी चढ़ेगी। देन उसके बाद फिर वायरिंग चेंज होगी, बट अभी इसका हेड खुल के निकला हुआ है, दोनों सॉकर निकाले हैं। फ्रंट टायर यहीं पर रखा हुआ है, अभी देख सकते हो फ्रंट टायर, और इसकी स्प्रिंग वगैरह पूरी निकाल चुके हैं बाहर। और अभी ये दोबारा पैक होने जा रही है, एक पैक होकर चढ़ चुका है, दूसरा पैक होकर अभी चढ़ेगा, देख सकते हो आप। अभी स्प्रिंग निकली हुई है क्योंकि इसकी सील पैक हो जाएगी ताकि ऑयल बाहर ना छोड़े। देन ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद होगा सॉकर, सामने सॉकर है, सॉकर निकलेगा, देन ये सॉकर चढ़ेगा। फिर जो फ्लेजर का मेरा काम है, पूरी वायरिंग आप देख सकते हो, यहीं से दिख रही होगी वायरिंग। ये वायरिंग हम गाड़ी के सीट के नीचे पीछे कन्वर्ट कर देंगे। बाकी अभी हमने इंडिकेटर इंस्टॉल किए हुए हैं, ये वाले इंडिकेटर आप देख सकते हो भाई, पहले पुराने वाले थे बट पहले ये वाले थे, ये वाले, बट मैंने ये हटा के ये वाले चढ़वा दिए हैं। बट हम से ये रहा पीछे का रियर सॉकर जो अभी गाड़ी में चढ़ेगा, अभी इसका सॉकर मेन अंदर है, बट ये वाला हमारा लिया हुआ है, अभी इसको गाड़ी में चढ़वाएंगे। इसको निकालने के बाद तब जाके इसमें थोड़ा सा इसका पावर सही बनी रहेगी और गड्ढों में कम फील होगा। बट मेरे आगे के सॉकर भी ख़त्म थे, अभी दोनों आगे के सॉकर चढ़ रहे हैं, ये देख सकते हो आप। अब इसकी फिटिंग वगैरह हो रही है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अपना जो पुराना सॉकर है वो रिमूव हो रहा है यहाँ से। देन इसके दो नट थे, एक अप एक डाउन में, तो ये वाला अब साइड होगा और देन अब ये वाला चढ़ेगा। जो फ्रंट के थे, फ्रंट का अपना दोनों सॉकर सेटअप हो चुका है, फ्रंट का अपना दोनों सेटअप हो चुका है सॉकर और टायर लग चुका है। और देन बैक का जो है वो अब रिमूव हो रहा है। इसका एक फ्रंट जो इसकी सबसे पहले ऊपर एक की है वो अनलॉक करी, देन नीचे वाली की अनलॉक करी, दो की है इसके पे, दोनों की अनलॉक करने के बाद देन अब ये वाला सॉकर इस पे चढ़ेगा और अपना गाड़ी फुल्ली रेडी जो सॉकर का है। देन उसके बाद वायरिंग का काम है, देन लास्ट अब वायरिंग है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अपनी की ओ रेडी हो चुकी है और की को रेडी होने में तकरीबन शाम के 6 बज चुके हैं, क्योंकि यार शॉपिंग भी थी और की को भी रेडी करना था, तो मैं वहाँ पे था नहीं, तो थोड़ा गाड़ी लेट में रेडी हुई है, बट हो चुकी है गाड़ी बढ़िया रेडी और सॉकर वगैरह सब लग चुका है। जो मेरा टोटल कॉस्ट पड़ा वो पड़ा मेरे को 3000 रुपये। जो सॉकर का प्राइस था उसका था मेरा 2400 और जो मेरा फ्रंट सॉकर था वो मेरे को पड़ा है 400 समथिंग। तो मेरे को तकरीबन 3000 में मेरा पूरा काम हो चुका है, बढ़िया काम करा है। सो अभी चलते हैं फटाफट से रूम पे, क्योंकि मुटकी को भी छोड़ना है और फिर अपना आप भी निकलना है रूम पे, क्योंकि लेट हो चुकी है। और अभी मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है युगजर मोटर क्लब, वो भी उत्तराखंड से है, उसको मैंने कहा है खाना बनाने के लिए, वो भी खाना बनाएगा मेरे लिए, क्योंकि यार मेरे को तो लेट हो चुकी है भाई, बनाते बनाते मेरे को फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं पहुँचूँगा तकरीबन 1 घंटे के अंदर पहुँचूँगा। देन उसके बाद मैं कब खाना बनाऊँगा, कब क्या करूँगा, तो मैंने उसको फ़ोन किया है, तो अभी बनाएंगे खाना वाना। सो अभी ब्लॉग एंड करते हैं और मैं पहले मुटकी को छोड़ता हूँ, फिर चलता हूँ रूम पे, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, ढेर सारा प्यार दें।